से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए जिनमें ज्योति मौर्य के रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को भेज दी। साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने भी होने का जिक्र है। आरोपों के मुताबिक उस डायरी में ज्योति मौर्य अवैध तौर पर की गई वसूली का हिसाब किताब रखती थी, जिसमें लेनदेन के लिए खास कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब थाउजेंड है। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच की मांग की, जबकि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर उनके फोन को हैक करने के गंभीर आरोप लगाए। वो अपने पति आलोक मौर्य से तलाक भी लेना चाहती है, जिसके लिए केस भी दायर किया जा चुका है, लेकिन उस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में फंस गई। ज्योति पहले ही अपने पति पर फोन को हैक करने का केस दर्ज करवा चुकी है। गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए मेरे द्वारा थाना हनुमानगंज के प्रयागराज में बात हैक किया गया है। दूसरी तरफ आलोक का आरोप ये है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवाना चाहती है। वैसे सब फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। ज्योति के पति आलोक भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं, और उनका दावा यह है कि ज्योति मौर्य के पीसीएस अफसर बनने में भी उनकी ही भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी, और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। मनीष दुबे सर कमांडर ने उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है, मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था, तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि पति और पत्नी का ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप सिर्फ आलोक मौर्य ही नहीं लगा रहे, बल्कि ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगा रही है। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी, और शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई का पता चला। ज्योति के मुताबिक शादी के वक्त आलोक एक सफाई कर्मचारी थे, और ये बात उन्होंने ज्योति के परिवार से छुपा कर रखी। इतना ही नहीं।